दूर एक शहर में प्रीति नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। उसे डांस करना बहुत पसंद था और वो बहुत ही सुशील और गुणी लड़की थी। उसका सपना एक बड़ी मॉडल बनना था। डांस करते करते मॉडलिंग के लिए बहुत जगह अप्लाई भी करती थी, पर उसे छोटी मोटी काम ही मिलती थी। लेकिन उसे बहुत बड़ी मॉडल बनना था, और जो चीज उसमें खास थी वो है उसकी गुलाबी होंठ। इसकी वजह से उसे बहुत जगह से काम का ऑफर आता था। एक दिन प्रीति ने देखी कि न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकला है कि बहुत बड़े ब्रांड के लिए मॉडल चाहिए, जिसके लिए खुद इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर मिस्टर अजय चोपड़ा कल इंटरव्यू लेंगे। ये देख प्रीति सोची, मैं इस इंटरव्यू में जरूर जाऊंगी। अगर मुझे ये मौका मिल जाता है तो मुझे बहुत बड़ी मॉडल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सोच के प्रीति बहुत ही खुश हो जाती है और अगले दिन तैयार होकर मिस्टर अजय चोपड़ा की ऑफिस पहुंच जाती है। वहां जाके रिसेप्शन में बैठी एक लड़की से कहती है, मुझे मिस्टर चोपड़ा से मिलना है, कहां मिल सकते हैं थोड़ा बताइएगा। आपको क्या काम है? आज इंटरव्यू चल रहा है ना, तो मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। सॉरी मैम, इंटरव्यू का टाइम खत्म हो गया, तो मैं आपको उससे मिलने नहीं दे सकती। प्लीज, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है, आप एक बार तो कोशिश कीजिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं मैम, नहीं हो सकता, सर ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि कोई उसे अब डिस्टर्ब ना करे। ये सुन के प्रीति उदास होकर वहीं बैठ जाती है और इतना अच्छा मौका ऐसे निकल गया सोच रोने लगती है। तभी उसी इंडस्ट्री की एक बड़े नामी आर्टिस्ट मिस्टर शान कुमार वहां से गुजरते हुए प्रीति को रोते हुए देखता है, तो प्रीति के पास जाके पूछता है, मिस क्या बात है, आप रो क्यों रही है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं लेट हो गई और अब मैं इंटरव्यू नहीं दे सकती, इस बार भी मेरा सपना अधूरा रह जाएगी। बस इतनी सी बात के लिए आप रो रही हैं? ओके, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब आप क्या करेंगे? शान कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराया और एक कॉल किया। हेलो मिस्टर चोपड़ा, आप जैसी लड़की ढूंढ रहे थे आपके नए मॉडल के लिए, ऐसी लड़की मेरे पास है, मैं ले आता हूँ आपके पास। हाँ अभी आता हूँ, बस हो गया। कौन, क्या क्या हुआ? आप बहुत सवाल करती है, कोई एक चीज पूछिए कि मैं जवाब दे सकूँ। हाँ? कुछ नहीं, मैं अभी मिस्टर चोपड़ा को कॉल किया, उसने आपको लेकर उसके कैबिन में आने के लिए बोला। अब समझिए आप, खुश है तो अब चले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने तो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। थैंक यू बाद में दीजिएगा, पहले अंदर तो चलिए। वो दोनों मिस्टर चोपड़ा के कैबिन में जाते हैं। वहाँ मिस्टर चोपड़ा प्रीति से पूछता है, तो मिस आपकी गुड नेम क्या है? प्रीति, प्रीति सेन। वेल मिस सेन, शान कुछ गलत नहीं कहा था, मैं अपनी नई मॉडल में जो भी क्वालिटीज चाहता हूँ वो सब आप में दिख रही है, बट मैं पहले ही बहुत सारी लड़कियों को चूज कर चुका हूँ, सो अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आपको भी बाकी सबके साथ कम्पीट करनी होगी और खुद को सबसे काबिल शो करनी होगी, मंजूर है? ओके सर, मैं तैयार हूँ। गुड लक मिस सेन। उसके बाद दोनों कैबिन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आके शान प्रीति से कहता है, तो फिर हो गई आपकी काम? Once again, thank you, sir. कैसे मैं आपकी शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं नहीं, इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं, मैं हेल्प कर सकता था तो किया, जस्ट इतना और कुछ नहीं। वैसे आपकी परिचय, मतलब आप हो कौन? मैं शान कुमार, एक मॉडल एंड आर्टिस्ट हूँ। ओह माय गुडनेस, मैं आपके नाम बहुत सुनी हूँ, आज आपको सामने से देख रही हूँ, आई एम सो लकी। बाय द वे,
आपकी ये गुलाबी होंट और ये स्माइल बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। उसके बाद प्रीति अपने टैलेंट के दम पे कंपटीशन में सबको पीछे रख के आगे बढ़ गई। उसे मॉडलिंग में लीडिंग पोजीशन में चांस भी मिल गया। कुछ ही दिनों में ही प्रीति सक्सेस की टॉप पे चली गई। प्रीति और शान के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई। कुछ समय के बाद मॉडलिंग के टॉप पे जाने के कारण कुछ फिल्म के डायरेक्टर भी उसे फिल्म में काम करने की ऑफर देने लगे। इसके बाद प्रीति शान के कहने पर शान के साथ एक फिल्म में काम की। काम करते हुए उसकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी वो फिल्म चलते चलते ही प्रीति के बर्थडे पे शान ने उससे शादी के लिए पूछा। प्रीति, मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना शान। मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि आई लव यू। ये बोलने में इतना टाइम क्यों लगाया शान? लव यू टू। तो फिर हम शादी कब करेंगे? तुम जब बोलो। कुछ दिनों में ही प्रीति और शान शादी कर लेते हैं। उन दोनों की मूवी को भी बहुत सक्सेस मिलता है, पर प्रीति की गुलाबी होंठ और स्माइल की वजह से शान से ज्यादा प्रीति तरक्की करने लगती है। शान से ज्यादा फैन प्रीति के होते हैं, हर जगह उसे ही बुलाया जाता है। ये बात शान सहन नहीं कर पाया। वो सोचता रहा उसके कारण प्रीति आज इस जगह पे पहुंची और आज शान से ज्यादा प्रीति के चर्चे होते हैं। इस बात पे दोनों के बीच हमेशा झगड़ा लगा रहता था। शान बात बात पे प्रीति को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन एक पार्टी में दोनों जाते हैं, जहां सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, डायरेक्टर, फेमस मॉडल्स और एक्टर एक्ट्रेसेस आए थे। वहां एक बड़ा कंपनी का मालिक आके प्रीति से कहा, हेलो मिस प्रीति। हेलो। आपके साथ ये मिस्टर कौन है? वो मेरी हस्बैंड है। अच्छा, आपकी हस्बैंड? तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बिजनेस और कुछ और? नहीं नहीं, वो भी फिल्म करते हैं। तो आपके हस्बैंड न्यू होंगे, मैं जानता नहीं। ये सब बात सुन के शान गुस्से में बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। प्रीति बात को समझ गई और उसके पीछे पीछे गई उसे मनाने। शान बस करो, और कितना ड्रिंक करोगे, बस करो अब। तुम्हें क्या, मैं कुछ भी करूं। शान ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे क्या, तुम मेरी हस्बैंड हो, ऑफ कोर्स मेरी बहुत कुछ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे पता है तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। चाहिए? क्या चाहिए मुझे? क्यों ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं? तुम पब्लिसिटी नहीं चाहती थी? तुम्हें फेमस नहीं होना था क्या? नहीं, तुम जानते हो मुझे बस मॉडलिंग करनी थी। तुम लाई मुझे फिल्म में और अब तुम खुद बोल रही हो मैं तुम्हें इस्तेमाल किया। कैसे बोल सकते हो तुम ये सब? क्यों ना बोलूं, जो सच है वही बोला। अब जाओ तुम यहाँ से और मुझे शांति से पीने दो। नहीं तुम और नहीं पियोगे, बस बहुत हुआ, अब चलो। छोड़ो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अगर कोई जाए तो वो तुम हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम कैसे आगे जाती हो, जाओ। शान प्रीति को धक्का देकर फेंक दिया, वो भी सबके सामने, और सारे मीडिया ये कवर कर लिया। उसके बाद ये घटना को लेकर इंडस्ट्री में बहुत हलचल पड़ गया। प्रीति और शान दोनों को ही इस बात को लेकर परेशानी झेलना पड़ा, पर प्रीति डटी रही और आगे बढ़ने लगी। कुछ दिन ऐसे ही जाने के बाद एक दिन एक बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर राकेश शर्मा के साथ प्रीति की मुलाकात हुई। राकेश शर्मा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उसके पापा रोहन शर्मा का इंडस्ट्री संभालता है। राकेश ने प्रीति को अपनी कंपनी में मेन मॉडल बनाया। प्रीति को काम करने का मौका मिला, वो बहुत खुश थी। ओह माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं हो रही है
मैं आपके साथ काम करूंगी। अरे अरे ऐसे कोई बात नहीं, मैं भी इस फील्ड में नया हूँ, आप ज्यादा सोचिए मत। मेरा पापा कुछ दिन पहले ही मुझे ये जिम्मेदारी दिया है और मैंने आप पे कोई मेहरबानी नहीं की। आप है ही इतनी सुंदर, आपकी ये स्माइल और गुलाबी होंठ कुदरत का करिश्मा है। ऐसे ही दिन बीतता गया और प्रीति राकेश के साथ काम करने लगी। राकेश बहुत अच्छा इंसान था तो प्रीति के दिल जीतने में ज्यादा समय नहीं लगा राकेश को। जितना समय बीतता गया प्रीति और राकेश की दोस्ती गहरी होती गई और साथ में राकेश प्रीति को बहुत पसंद भी करने लगा। पर प्रीति को ये पता नहीं था। एक दिन राकेश आके प्रीति को बोला, प्रीति मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तुम तो मुझे काफी दिनों से जानती हो। हाँ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। प्रीति मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में परमानेंटली आ जाओ। पर राकेश। हाँ मुझे पता है, पहले तुम्हारे शादी को लेके बहुत बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है, पर पास्ट इज पास्ट, भूल जाओ सब। हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि भूल जाऊँ, फिर उसके बाद किसी को यकीन करना भी मुश्किल होता है। तुम तो मुझे इतने दिनों से जानती हो तो थोड़ी यकीन करके देखो। ठीक है, वैसे मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। फिर राकेश और प्रीति बड़े धूमधाम से शादी कर लेते हैं। इस शादी से दोनों के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद प्रीति और भी सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाती है। उसकी ये गुलाबी होंठ और खूबसूरत हंसी उसे और फेमस कर देती है। पर इधर उस दिन के बुरे वर्ताव के कारण शान बहुत बदनाम होता है और उसका करियर लगभग खत्म हो जाता है।